हेलो दोस्तों, मैं हूं शिमक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। आज आपको हम बताएंगे मॉडल सेट के बारे में, क्योंकि 2020 का मॉडल सेट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक तो नहीं जानते हैं कि 10th क्लास का भी मॉडल सेट आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10th क्लास का ये मॉडल सेट आ चुके हैं 2020 के लिए है। 2020 का एक ही मॉडल सेट आए हैं और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में भी पता चल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि सर इसका PDF दीजिए। तो इसका PDF तो खैर आपको नेट पे ही मिल जाएगा, आप अगर खोजेंगे तो, अगर हम नहीं आता है तो आपको हम बता देंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किए हैं उसका PDF मांगता है, जो बुकलेट सिस्टम में हम क्वेश्चन देते हैं उसका PDF मांगता है। उसके बाद कुछ कुछ आर्ट्स का स्टूडेंट को कुछ नहीं मिलता है, जो आपका 11th क्लास में है, 12th क्लास में है। तो उन सब स्टूडेंट को हम यही बताएंगे कि जिसको जिसको PDF चाहिए, एक ही बार आपको पे करना पड़ेगा कुछ अमाउंट, छोटा सा अमाउंट। क्योंकि भाई देखिए, इसका जो हम टाइपिंग करते हैं तो उसको हमको टाइपिंग करने के लिए स्टेप रखना पड़ता है, उसका पेपर खर्च है और उसको तैयारी करना। तो आपको ऐसे तो वीडियो पे मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन वीडियो के जरिए तो आपको दे नहीं पा रहे PDF, लेकिन PDF के लिए हमको कुछ सिस्टम बनाना पड़ा, तो इसके लिए हम ज़रूर आपको PDF देंगे। तो अब 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए सिर्फ हम रखे हैं 50 रुपया। अगर 50 रुपये आप पे कर देंगे हमको, तो आपको पूरा जितने भी 10th क्लास के सब्जेक्ट आपके पास है, यानी मैथ का होगा, साइंस का होगा, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी ए का, हिंदी बी का, बंगला का, सारे का PDF मॉडल सेट बोलिए, 2016 का, 2017 का, 2019 का, उसके बाद 2020 का मॉडल सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुकलेट सिस्टम, जितना सारा कुछ कुछ आंसर भी हम आंसर का भी PDF किए हैं, आपका स्टूडेंट का कॉपी का, उन सब का PDF आपको हम मिल जाएगा सिर्फ 50 रुपये में। एक बार आप पे कर देंगे तो आपको हम सारा चीज़, अब जब हमको व्हाट्सएप ग्रुप में वो रिसीविंग भेज दीजिएगा तो उसी के साथ हम आपको लिंक भेज देंगे, उस लिंक में सारा चीज़ आपको हो जाएगा। लेकिन जिसको हम अलाउ करेंगे सिर्फ वही आपका वो डाउनलोड कर पाएगा, सब स्टूडेंट वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो ज़रूर आप लोग वो कीजिए, जैसे आपको आपको अच्छा होगा आप उस हिसाब से करेंगे। अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हमको फ़ोन करते हैं, ये करते हैं, इसलिए हम लिखे। और ऐसे तो हम मॉडल सेट जो है आपका ये सब ग्रुप में तो हम दे ही देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें दे देंगे, इसका कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो PDF हम अपने से सिस्टम से बनाए हैं उसका PDF आपको नहीं मिलेगा, ऐसा पिक उक मिल जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 2019 है उसमें से आपका सोशल साइंस का पैटर्न चेंज किया गया है। सोशल साइंस में आपका जो है 4 ही यूनिट है, अभी पहले 5 यूनिट हुआ करते थे, अभी 4 ही यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में 20 अंक और कब को पूछा जाएगा। तो पहला यूनिट जो है इतिहास है। इतिहास में देखिए, काउंट मेलिलियो दे कपूर कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलोन से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1815 की वियना संधि का उद्देश्य क्या उद्देश्य थे। फ्रांस ने महंग डेल्टा क्षेत्रों में नगर बनाना और जमीन को सुखाना शुरू क्यों किया गया। जी 77 देशों से आप क्या समझते हैं। पहले विश्व युद्धों के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। 19वीं सदी में देखिए, ऑथोबा से भी क्वेश्चन रहता है। 19वीं सदी में धनी लंदन बारिशों ने गरीब के लिए मकान बनाने की जरूरत का समर्थन क्यों किया। डंडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। डंडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोग को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदन होगा। 19वीं सदी के ब्रिटेन में आए ऐसे कुछ सामाजिक बदलावों की चर्चा करें जिनके बारे में थॉमस हार्डी और चार्ल्स चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ये आपका भारत का विश्व का मानचित्र है, इसमें आपको कोलकाता और ऑस्ट्रेलिया दिखाना है। तो इजी है, आप दिखा सकते हैं आराम से इसको, कि कलकत्ता कहाँ पे है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ से आपका शुरू होता है भूगोल, जिसको हम कहते हैं जियोग्राफी। ये आपका इकाई 2 है, यूनिट 2 है। तो इसमें वैकल्पिक जो है कुछ आपको है चुनना है, एक ही क्वेश्चन इसमें है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसल के सहायता देने के लिए करती है। तो इसमें कौन सी चीज़ जो है वो घोषणा करते हैं, अधिकतम सहायता मूल्य, निम्नतम सहायता मूल्य, या मध्यम सहायता मूल्य, या प्रभावी सहायता मूल्य। उसके बाद पूर्व तटी
पूर्वोत्तर के नदी डेल्टा में किस प्रकार का मृदा पाई जाती है? हमें खनिज के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? सड़क परिवहन के 3 गुण बतावे। सड़क जो परिवहन है उसके 3 गुण। परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धति को आधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षण एवं भंडार किस प्रकार किया जा रहा है? पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखिए। बांध क्या है? बांध कितने प्रकार के होते हैं? भारत के उपयोग यह भी अथवा से क्वेश्चन है। देखिए, जिस जिस क्वेश्चन में अथवा से रहेगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा और आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं। और जितने भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं उन्हीं सब में ये है और कुछ कुछ लगेगा क्योंकि हम सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत पहले दिए थे। तो अभी हम जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम बुकलेट सिस्टम में जो आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं यही सब क्वेश्चन है और इसी के आधार पर ये है यहाँ पे मॉडल सेट भी हमको देखने को मिल रहा है। ये आपका नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्रों को आप जरूर पढ़ लें। पढ़ने के बाद यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है, व्याख्या करें। बताइए कि किस तरह भारत में अभी जातिगत समस्याएं हैं। भारत में किस तरह जातिगत समस्याएं हैं इसको आपको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों एवं दृष्टिकोण को संगठित अभिव्यक्ति होते हैं, विवेचना करें। राजनीति दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करें इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दीजिए। जैसे राजनीतिक दल को बेहतर, हम ये बता भी चुके हैं, राजनीतिक दल को बेहतर करने के लिए सब कह सकते हैं, बिंदु लिख सकते हैं कि उसमें जो अब जो जिसको आप कैंडिडेट दीजिएगा इलेक्शन में, जिसको लड़ाइएगा चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें क्या करना चाहिए, 7 आदमी को देना चाहिए, शिक्षित आदमी को देना चाहिए, उस पर क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। इस टाइप का अगर आदमी को देंगे तो उसका क्या होगा, जो पार्टी है उसमें काम का जो है और उसमें लोकतंत्र भी ठीक रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षित आदमी जो होते हैं उसका सोच अलग होते हैं, मूर्ख आदमी का सोच अलग होते हैं। और अभी के युग में जो हमारे भारतवर्ष की स्थिति अभी चल रहा है, जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था अभी घट रहा है, तो इसमें शिक्षित आदमी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो है यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसको आप ज़रूर देखें, ये आपका इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, धारणियां का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे हो। चेक क्या है? हाँ, उसके बाद है औपचारिक ऋण क्या है? संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। उपभोक्ता के अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। विकास में ऋण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। विकास करने के लिए आपको ऋण लेना जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए आदमी के पास सफिशियंट जो अर्थ है नहीं रहता है, लेकिन उसका सोच रहता है, तो उस सोच के चलते वो काम को नहीं कर पाते, लेकिन ऋण लेकर वो काम करके दोगुना उसको कमा के और ऋण परिशोध कर सकते हैं। तो ऋण के विकास के लिए ऋण की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये आपका रहा 27 क्वेश्चन, अभी पूछा जाएगा आपको। तो ये आपका मॉडल सेट है, ठीक है, ये मॉडल सेट आप जरूर देख लें। और जो हम बताएं आपको PDF अगर लेना है तो आप जरूर ऐसा करें, आपको PDF तुरंत मिल जाएगा। और PDF जैसे ही आपको मिलेगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको आप दूसरे फ्रेंड को भी भेज सकते हैं। तो एक दो अगर लड़का आप ले लेंगे इस फ्रेंड ग्रुप में, 50 रुपये में कुछ नहीं है, 50 रुपये आपके लिए देखा जाए तो हम यही बोलेंगे। तो इस वीडियो में ही तक, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।